वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई एम तुबा एंड आज मैंने मिस्ट्री मेकअप लुक क्रिएट किया है जो कि मैंने मिस्ट्री से मेकअप लुक क्रिएट किया है मैं बहुत दिनों से ऐसा कुछ करने का सोच रही थी एंड बहुत दिन भी हो गए थे कि मैंने आपके साथ सेट डाउन एकदम चिट चैट मेकअप लुक शेयर नहीं किया नॉर्मल करती तो थोड़ा बोरिंग लगता लेकिन मैंने इसको एक हिंट दिया है हिंट मैंने इस मेकअप लुक को इस बाउल का दिया है एंड इसमें रखे चिट्स कर दिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है नॉर्मली हम लोग ऐसे मेकअप कभी भी नहीं करते हैं मैंने इस चेड्स में जितने भी मेकअप के स्टेप्स होते हैं ना वो सारे लिख रखे थे एंड मैंने ऐसे आइज क्लोज करके ऐसे ऐसे मेकअप को सेलेक्ट किया है तो ये वाली वीडियो ना आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगी देखने में मुझे करने में खुद पर्सनली इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई एंड उससे ना ये वाला आउटकम निकला है जो आप मेरे फेस पर देख रहे हैं कुछ इस तरह का मेकअप लुक टर्न आउट हुआ है मैंने सोच रखा था कुछ ऐसा ही थोड़ा सा ऊपर नीचे तो होता ही आप एक मिस्ट्री मेकअप लुक चैलेंज क्रिएट कर रहे हो तो उसमें तो थोड़ी बहुत मुश्किलें आएंगी बट मेरे साथ है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं वो तो आप लोगों को तभी पता चलेगा जब आप ये वाला वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे एंड आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आएगी अगर मेरे चैनल पर आप लोग न्यू है तो मेक श्योर sure कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें भर भर के शेयर करें एंड बहुत ही प्यारा सा कमेंट भी नीचे में छोड़ के जाए मेरे लिए एंड वापस बार बार आए ओके okay, चलिए तो मैंने बहुत ही लंबा इंट्रो दे दिया है मैंने ना पिछले साल वन ईयर हो गए होंगे मुझे मैंने एक स्पिन दी व्हील मेकअप चैलेंज किया था मैंने सोचा पहले उसका मैं पार्ट टू करती हूँ देन मैंने सोचा व्हाई नॉट एकदम चिट बना के इस टाइप का चिट बना के देन मैं मेकअप लुक क्रिएट करूँ ताकि आपको भी मज़ा आया मुझे भी मज़ा आए मोबाइल तो मोबाइल होता है खुद से बनाने के अलग ही मज़े होते हैं ओके okay, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए है ना इस वीडियो में मूव ऑन करते हैं सो लेट्स गो ओके फ्रेंड्स चलिए तो अब ये वीडियो को कर स्टार्ट करते हैं मैंने अपना बाउल पकड़ लिया है जिस बाउल में मैंने अपने चिट्स बनाए हैं एंड इस सारे चिट्स में है ना मेकअप के नेम्स लिखे हुए हैं जो कि मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था लेकिन मैं आप लोगों के सामने भी इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ ताकि बिल्कुल भी एकदम चिटिंग विटिंग वाली कोई सीन ना हो एंड मैं ये वाला वीडियो बहुत ही फन वे में करने वाली हूँ आई डोंट नो कि कैसा मेकअप निकलेगा बट मैंने मेकअप का जो एक लिमिट होता है ना कि मुझे ऐसा मेकअप करना है उस तरीके से मैं ड्रेसअप हुई हूँ मेरा मेकअप भी कैसा निकलेगा ये मुझे खुद लास्ट में पता चलेगा लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मैंने जैसा मेकअप सोचा है ना मैं वैसा ही मेकअप आप लोगों के साथ शेयर करूँ सो या चलिए सबसे पहला चिट उठाते हैं एंड देखते हैं कि मुझे फर्स्ट चिट में क्या आएगा एंड सबसे पहले मुझे फेस पर क्या लगाना पड़ेगा मैंने भर भर के फेस पर है ना मॉइस्चराइज़र लगा लिया है तो चलिए अब चिट्स की बारी है क्या मैं आइस क्लोज कर लूं ओके कर सकते हैं ये उठा लिया है मैंने अब मैं ये आप लोगों के सामने खोलूंगी मैंने बाउल को रखा नीचे ना ये रहा वो चिट चलिए इसे खोलते हैं क्या आप लोगों को दिख रहा है आई होप आप लोगों को दिख रहा है ओके तो सबसे पहले मुझे कॉम्पैक्ट आया है मतलब आप फाउंडेशन लगा लेते हो प्राइमर लगा लेते हो तब आप कॉम्पैक्ट लगाते हो बट या? मुझे कॉम्पैक्ट आया है तो चलिए सबसे पहले चीटिंग नहीं करते हुए कॉम्पैक्ट लगाते हैं अपने फेस पे ऐसे बेयर फेस पे मैंने कॉम्पैक्ट लगाया है ऑब्वियसली मैंने बहुत बार लगाया है जब हम लोग ऐसे बाहर जाते हैं तो मैं कुछ भी हेवी मेकअप नहीं करती हूँ मैं हमेशा लाइट मेकअप पे जाती हूँ तब तो मैं कॉम्पैक्ट लगाती हूँ बट आज तो मुझे करना था ओके तो ये ले लिया है मैंने कॉम्पैक्ट ये है शुगर का कॉम्पैक्ट जो कि मैं यूज़ करने वाली हूँ बेसिकली अभी विंटर्स का टाइम है ना तो मैं कॉम्पैक्ट सिर्फ अपने नीचे क्रीज लाइंस पे ये करती हूँ कॉम्पैक्ट सेट करती हूँ या तो मैं यहाँ पे करती हूँ तो मैं अभी वही करूँगी जैसे मैं डेली लाइफ में करती हूँ ओके ओह माय गॉड लुक्स वियर्ड पता नहीं मेरा फाउंडेशन कैसे सेट होगा अगर मैं कॉम्पैक्ट ही पहले लगा रही हूँ तो ओके okay. तो लगा लिया है मैंने कॉम्पैक्ट इतना ही लगाती हूँ मैं मैं डेली लाइफ में भी इतना ही लगाती हूँ मैं अगर मेकअप भी करती हूँ तो मेरा एकदम ड्राई स्किन है मैं कॉम्पैक्ट कभी भी ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ मैं समर्स में लगाती हूँ विंटर्स में तो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ सेकेंड चिट पर चलते हैं फर्स्ट चिट मैंने हटा दिया पे है सेकेंड पर चलते हैं आइज़ क्लोज करते हैं I don't know, तो मुझे एकदम तो स्केरी स्केरी से लग रहा है कि क्या ही होगा आज मेरे फेस का आई डोंट नो ओके तो मुझे तो कुछ गड़बड़ से लग oh God, आज मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है अगर आप सब देख रहे हो ना तो ये कॉन्टोर है मतलब तो पहले कॉम्पैक्ट लगाओ फिर कॉन्टोरिंग करो ऐसे कौन करता है यार आज मैंने के इस बिल्कुल भी साथ नहीं देते हुए तो चलिए कॉन्टोर अप्लाई करते हैं एकदम रिवर्स में चल रही हूँ मैं सारा कुछ सेकेंड मुझे कॉन्टोर आया है चलिए मैं कॉन्टोर उठाती हूँ एंड पट पट, पट 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 लगा देती हूँ मैंने यहाँ पे थ्री इन वन शुगर का पैलेट ले रखा है जिसमें मुझे ब्लश हाईलाइटर सब कुछ है तो इसी से मैं कॉन्टोरिंग करूँगी मैंने ब्रश ले लिया है ये रहा ब्रश आ रहे हैं ये खुल क्यों नहीं रहा कहना मैं मैंने खुलूँगा लेट्स डू दिस क्या आप लोगों को दिख रहा है कि मैं कंटूर कर रही हूँ? भाई ज्यादा नहीं करूंगी नहीं तो पता चलेगा कि मैं भूत बन गई लास्ट जाते-जाते थोड़ा सा नोज को भी कर ही लेते हैं भाई वैसे मेरी नोज तो पतली है ही बट कंटूर के चक्कर में ना हाइलाइटर उठा लिया तुम लिस्ट में नहीं थे निकलो इधर से ओके तो अब मैं थोड़ा थोड़ा अपने जॉ लाइन को भी कॉन्ट्रोल कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ क्या करूँ भाई अब ये आ गया है तो मेहमानदारी तो इनकी करनी पड़ेगी क्योंकि आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आप उनको भगा तो सकते नहीं हो तो कर ही लो ए, तो ये कर लिया है मैंने कॉन्ट्रोल आई थिंक इधर को ज़्यादा लग गया ओके okay, तो इसको बाद में सेटल करेंगे नाव अब चलते हैं थर्ड चिट पे मैं ऐसे लग रहा है लास्ट जाते जाते तक ना चिट भी भूल जाऊँगी जितने सदन मुझे लग रहे हैं ओके okay, मैंने अपने आई को कर लिया बंद चिट उठा लिया भाई इस बार बचा लेना मुझे प्लीज़ प्लीज़ इस बार बचा लेना मुझे ये क्या आया है ओके okay, आप लोग के सामने हाँ ओके ओके ये कर सकती है मुझे मस्कारा आया है थर्ड चिट में मस्कारा तो अप्लाई कर सकते हैं कोई बात नहीं करते हैं कर ओके तो ये रहा मस्कारा चलिए इसे अप्लाई करते हैं मैं मिरर ले लेती हूँ बिकॉज मेरे पास कोई ऐसा मिरर नहीं है ऐ, चलो मस्कारा अप्लाई कर लेते हैं मैंने तो कुछ और ही सोचा था पता नहीं क्या ही निकलेगा आई डोंट नो मैं एकदम स्केयर्ड हो रही हूँ अब तो ये मस्कारा लगाते टाइम ऐसा क्यों बनता है हमारा ये लगा लिया मैंने मस्कारा आप चलते हैं फोर्थ चिट पे भाई फाउंडेशन हो जाओ भाई क्या लास्ट में लगेगा फाउंडेशन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही क्या है काजल 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 ओके okay, तो मुझे आया है काजल एंड मैंने आज सोचा है मैं यहाँ पे खुलासा कर ही देती हूँ मैंने आज सोचा है कि मैं ब्लैक स्मोकी आइज़ करूँगी विथ न्यूड लिप्स तो उसी वजह से मैंने काजल रखा है काजल मैं अपने लोअर लैश लाइन पे नहीं लगाने वाली हूँ मैं अपर लिट पे काजल लगाने वाली हूँ तो चलिए फटाफट से काजल लगा लेते हैं अल्लाह अल्लाह करके बस मेरे आइज़ का सारा चीज़ आ जाए अभी आइज़ हो जाए उसके बाद मुँह पे तो लगना ही है कॉम्पैक्ट तो लग ही गया तो चलिए काजल अप्लाई करते हैं मुझे पहले इसके ऊपर कंसीलर लगाना था बट अब काजल आ गया है तो लेट्स डू इट ये रहा काजल ये रहा शुगर का काजल ओ शिट ये तो शार्प ही नहीं है ओके तो ये ले आई हूँ मैं शार्पनर शार्पनर इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं है तो प्लीज़ आप इसको इंक्लूड मत कीजिएगा चलो अब शार्प कर लेते हैं लग रहा है ये सारा कुछ है ना मुझसे इसी वाले वीडियो में होगा यहाँ पे मैंने नॉर्मल काजल नहीं लिया है मैंने ग्लिटरी काजल लिया है ओके तो मैंने इसको शार्प कर लिया है अब फटाफट से आई पे अप्लाई करती हूँ मैं थोड़ा सा ही अप्लाई करना है ऐसे नीचे वाले लेट पे ही क्योंकि जब ये बढ़ेगा ना तो ये धीरे 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 पूरे में स्प्रेड हो जाने वाला है एंड ब्लैक स्मोकी आईज एक ऐसा स्मोकी आई है ना जो कभी भी ऐसे वो क्या कहते हैं है, महफिल से बाहर नहीं जाता है ये हमेशा ही मैं देखती हूँ कि ये बहुत किसी को यूज़ करते हुए एंड बहुत कोई ऐसा जब क्रिएट करता है ना तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है आज मेरा ड्रेस भी ब्लैक था तो मैंने सोचा कि वाई नॉट मैं ब्लैक स्मोकी आई करूँ बहुत ज़माना हो गया मुझे ऐसा एकदम अच्छा सा मेकअप किए ओके okay, तो अभी मैं इतना ही लगाऊंगी मुझे जब नीड पड़ेगी ना ऐसा लगेगा कि नीड हो रही है तब मैं ज़्यादा लगाऊंगी अभी इसे मैं ब्लेंड कर लेती हूँ फटाफट से अगर मैं कंसीलर लगा के करती ना तो ये बहुत ही एकदम ऐसे पॉप करता बट कंसीलर तो मेरे ज़िंदगी में नहीं आया है अभी तक क्या करूँ मैं मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा लगाना पड़ेगा ओके okay, यहाँ पे मैंने काजल को अच्छे से अपने पूरे आई लिफ्ट पे है ना प्लेस कर दिया है एंड ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रटी लग रहा है अब मुझे मैं अपने गोल के है ना बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ नज़र आ रही हूँ एक आई लुक करके ही है ना आपका लुक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है ओके okay, तो यहाँ पे मैंने काजल से ये आई लुक किया है अब मैं काजल यूज़ नहीं कर पाऊँगी एंड कितना प्रटी लग रहा है मुझे अभी मन कर रहा है ये यहीं पर छड्डो है ऐसे ही रहो ओके तो यहाँ पर मैंने इससे अच्छे से ब्लेंड कर लिया बाद में जो होगा उसका मैं कुछ नहीं कर सकती फिलहाल जो है वो है नाउ अब इसे रखते हैं एंड चलते हैं नेक्स्ट चिट पे लेट्स क्लोज द आईज एंड पिक ओके तो ये मैंने निकाल दो निकल गया ओ ओके okay, ये मैंने निकाल लिया है अब देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है ओके okay, ओके okay, तो इट्स ब्लश ये मुझे आया है ब्लश मतलब कॉम्पैक्ट लगा लो कॉन्टोर कर लो फिर ब्लश करो ऊपर से एकदम करूँगी वो ऐसे नहीं चलता था रिवर्स मेकअप वही यहाँ पे कुछ चल रहा है तो ब्लश आया है मेरा ले लिया मैंने एंड मैं अपने मिडल वाले फिंगर से ब्लश को अप्लाई करूँगी एंड थोड़ा ज़्यादा ही अप्लाई करूँगी ताकि जो मेरा फाउंडेशन हो उस पर ये पॉप कर जाए ऐसे तो पता नहीं क्या पॉप करेगा यहाँ पे मैंने एकदम अच्छे से जो ब्लश है ना उसको लगा लिया है ऐसे लग रहा है आज मुझे फ़ाउंडेशन थोड़ा कम लगाना पड़ेगा बिकॉज़ मैंने ब्लश भर भर के लगा लिया है अब इसे ब्लेंड करते हैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अभी तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा एकदम डार्क डार्क लग रहा है बट शायद जब मैं फ़ाउंडेशन अप्लाई करूँ तो ये अच्छा दिखने लगे तो अब मैंने ब्लश लगा लिया है अच्छे से नोज़ पे भी एकदम लाल लाल कर लेंगे एंड चिक्स को भी एकदम लाल लाल कर लेंगे ओके तो यहाँ पे मैंने ब्लश को अच्छे से ब्लेंड कर लिया ऐसा लग रहा है फाउंडेशन लास्ट में आएगा चलिए अब नेक्स्ट चिट पे चलते हैं मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रही है ये चिट वाला वीडियो बना के आप लोगों को कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे मैं आप ही लोग के लिए तो इतनी मेहनत करती हूँ ताकि आप लोगों को नए नए आइडियाज़ आई मिले एंड ऐसे नॉर्मल लाइफ से थोड़ा हट के इंसान कुछ करता है ना तो और मज़ा आता है ये कुछ अब सा कर रहे हो तो या, यही था मेरा दिमाग इतना ही चल सकता है ओके तो यहाँ आ गया फिर से चिट निकालते हैं पक्का मैं बता रही हूँ इस बार मुझे लग रहा है कि फाउंडेशन आएगा ओके ये क्या निकला है तो इसी कंसीलर फाइनली अब हम लोग थोड़ा फाउंडेशन फाउंडेशन एंड कंसीलर कंसीलर खेलेंगे तो कंसीलर आ गया है इसलिए अब कंसीलर लगाते हैं ये रहा मेरा कंसीलर ये रहा इसमें मिरर एंड जो ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने ब्लश को ब्लेंड किया है उसे से मैं कंसीलर भी ब्लेंड कर लूँगी ओके okay, थोड़ा सा ही अप्लाई करूँगी मैं अरे नो ये कैसा होने वाला है मैं मैंने कंसीलर लगा लिया अब इसको चिल्ली फटाफट से ब्लेंड करती हूँ मैं चलो इसे ब्लेंड करते हैं अब अब लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा मेकअप वाले स्टेज में आ रहे हैं हम लोग कंसीलर को मैं वहीं वहीं पे लगाती हूँ जहाँ पे लगती है मुझे नीड है कंसीलर की तो मैंने लगा लिया कंसीलर एंड मुझे ना रिसेंटली मैं एक पिंपल निकला है जो कि यहाँ पे है आई डोंट नो आप लोगों को नज़र आ रही होगी ये पिंपल या नहीं तो इस पर भी थोड़ा सा कंसीलर लगा लेंगे एंड पिंपल को हाइड कर लेंगे मैं एकदम ही फ्लॉलेस पेश चाहती हूँ थोड़ा सा लगा लेंगे वैसे मुझे पिंपल बहुत कम आती है माशाल्लाह थू, थू 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 लेकिन जब भी आती है ना वो बहुत दिन तक स्टे करता है ऐसा लगता है गर्मियों की छुट्टी में आ रखी है फिलहाल अभी ठंडियों की छुट्टी में आ रखा है ये तो इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी ऐसे नहीं लग रहा है कि मेरी सिर्फ आंखें एकदम ही उजली उजली सी है मेरा ये वाला पार्ट एकदम लग रहा है कि असली है ये नकली है ऐसे असली नकली का डिफरेंस अभी मुझे मेरे फेस पर लग रहा है मुझे फाउंडेशन चाहिए तो अब नेक्स्ट चिट पे चलते हैं नेक्स्ट चिट भी आईज़ क्लोज करके उठाएंगे ये ओके मैंने चिट निकाल लिया है लेट मी ओपन दस ओके नाउ मुझे आईब्रो साहब मिले हैं क्या आप ये भी कर लीजिए फाउंडेशन आपको क्यों करना नहीं कीजिए आप तो चलिए मैं आईब्रो अपने फ़िल इन कर लेती हूँ बट ये रहा मैं आईब्रोज़ को एकदम नेचुरल रखने वाली हूँ मैं बिल्कुल भी उसको एकदम भर भर के जो एकदम शेप दे देता है ना कोई कोई मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो चीज़ मैं सिर्फ ऐसे हल्का हल्का कर रब करती हूँ एंड प्लेस इट तो एकदम नेचुरल लगे भाई आईब्रोज में तो रहता ही है खाली खाली आप उसको क्या ही भरोगे मुझे एकदम नेचुरल आईब्रोज अच्छे लगते हैं करती मैं ब्राउन से हूं मैं ब्लैक से नहीं करती हूं कभी ये रहा बाउल इसमें अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है तो देखते हैं कि अब क्या निकलता है आईज़ क्लोज कर लेती हूँ एंड एक ही है ना नहीं ये दो है एक हटा देती हूँ ओके तो ये रहा देखते हैं इसमें क्या निकला है बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ हाई चलिए लगाते हैं अब जिंदगी इसी का नाम है जो नहीं करने का मन होता है वो आ जाता है मुँह उठा के क्या करें चलिए हाई प्लेस करते हैं मैं फाउंडेशन क्यों ही लगाऊँ छोड़ देती हूँ सब चीज़ तो पहले ही आ गया है ओके ओके तो हाई को मैं प्लेस कर लेती हूँ जहाँ जहाँ पे मुझे प्लेस करना था एक्चुअल में जहाँ जहाँ पे मैं हमेशा करती हूँ मैं यूजुअली इन जगहों पे ही हाइलाइटर को प्लेस करती हूँ बट आज मेरे जो हाइलाइटर साहब है ना वो फाउंडेशन से छुप जाने वाले हैं ओके okay, तो मैंने हाइलाइटर ऑलमोस्ट लगा है भाई अंदर से चमक जाना प्लीज़ मैं हाइलाइटर को इंस्ट्रक्शन देते हुए चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं ये रहा पाउल अब इसमें से निकालते हैं तो हम्म देखिये मुझे पता चल रहा है ये क्या है लड़कियों का मोस्ट फेवरेट चीज लिपस्टिक मुझे रोने का मन कर रहा है वाई मी लिपस्टिक आई है भाई फाउंडेशन लगाया ही नहीं मैंने फॉर लिपस्टिक मैंने यहाँ पे टू शेड्स रखे हैं एक है ये ब्लू हेवन का ये वाला शेड मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये है शेड ट्वेल्व ओके okay, ये है शेड ट्वेल्व ब्लू हेवन का एंड ये है आपको पर्पल की लिपस्टिक है इसका शेड कहीं पे मुझे मेंशन नहीं दिख रहा है इसका शेड भी एकदम ही न्यूट सा है एंड इस दोनों को क्रिएट करना है मुझे एज अ न्यूट लिपस्टिक ओके तो ये पर्पल वाले का शेड है स्ट्रेंजर्स टू फ्रेंड ये मैंने बहुत पहले ये लिपस्टिक ली थी एंड ये है ना ज़्यादातर मेरे फेस को कभी कभी एकदम ही वॉश ऑफ कर देता है तो उसके लिए मैंने ये रखा है ताकि इस दोनों को मिक्स करके मैं लगाऊँ तो कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा तो चलिए लिपस्टिक अप्लाई करते हैं पहले मैं ये लगाने वाली हूँ उसके ऊपर से मैं वो लगाऊँगी भाई साहब अभी लिप लाइनर भी आना बाकी है वो भी आएंगे बिना इनविटेशन के ओके तो यहां पे मैंने इसको लगा लिया है अब चलिए करते हैं सेकंड कोट जो कि मेरी इस लिपस्टिक की होने वाली है सेकंड कोट वैसे ये ऐसे भी मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे इसे थोड़ा और न्यूट काइंड ऑफ करना है तो इसके लिए मैं ये शेड यूज करने वाली हूँ आई थिंक ये ड्राई हो गई देख रहे हैं अगर आपको दिख रहा होगा तो ये हल्का लाइट शेड है ओके। okay. मैंने ऑलमोस्ट लगा लिया है एंड ये मुझे मेरे आई के साथ है ना बहुत ही बढ़िया लग रहा है एकदम चंगा लग रहा है ये लिप शेड तो इट्स डन अब चलते हैं नेक्स्ट चिट की तरफ इसको करते हैं बंद एंड हाँ जितने भी मैं मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ ना मैं कोशिश करूँगी कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मेकअप प्रोडक्ट्स के लिंक्स डाल दूँ ताकि आप लोग डायरेक्ट साइट पे विजिट करके बाय कर सकें ओके okay, तो अब चलते हैं नेक्स्ट चिट पे चिट चार पाँच ही बची है तो चलिए देखते हैं ओके okay, तो मैंने फिर से दो चिट उठा लिए एक चिट को करती हूँ नीचे रख दिया अब ये आया है मुझे चिट इस बार मुझे आए हैं लिप लाइनर लिप लाइनर आए हैं तो चलिए अब लिप लाइनर अप्लाई करती हूँ जो कि आपने मुझे बहुत बार यूज करते हुए देखा होगा इस जल्दी से अपने लिप्स को लाइन कर लेते हैं ओके okay, तो so मैंने इसे हल्का हल्का ना मिक्स कर लिया है अपने लिप्स पे ना अब चलते हैं नेक्स्ट चिट की तरफ uh, ये रहा बाउल इसमें ना सिर्फ थ्री चिट्स बची है एंड आई एम एक्साइटेड कि अब क्या आएगा ओके okay, तो आइस क्लोज करके मैंने एक चिट उठा ली है इस इसे ओपन करते हैं आई शैडो ओके okay, तो अब इसे अप्लाई करते हैं अब क्या ही करें अब अब मैं मैं बोलना ही छोड़ दिया अब मैं दो जोट में क्या ही बोलूँ ये तो वही आएगा ये तो दूसरा ही चीज़ आएगा तो चलिए आई शेडो अप्लाई करते हैं आई शेडो के लिए मैंने यहाँ पे एक पैलेट ली है एन वाई बे की एंड ये मेरे ड्रेस से मैच हो रहा है मेरे आई लुक से मैच हो रही है मैंने ऑलमोस्ट जितनी सारी चीज़ें थी, थी ना सब ब्लैक ब्लैक कवर की ज़्यादातर यूज़ की है आज एंड इसमें से मुझे चाहिए ब्लैक कलर का आई शेडो जो कि इसमें था इस वजह से मैंने इस पैलेट को रखा है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर की आई शर्ट आपको दिख रही होगी फटाफट से अब इसको अप्लाई करते हैं ओके नाउ like. okay, मैंने एक आंख पे है ना अप्लाई कर लिया इसको अब नेक्स्ट पे भी अप्लाई करेंगे हल्का हल्का ही लगा रही हूँ मैं क्योंकि काजल तो मुझे सबसे पहले मिल गया था तो हल्का ही हल्का ही लगाएंगे एंड बस इसे हल्का हल्का ब्लेंड कर देंगे चलिए अब सेकेंड लास्ट चिट पे जाते हैं एंड देखते हैं कि अब मुझे क्या मिलता है दोनों में से कोई एक मैं उठाऊंगी दोनों को मिक्स कर दिया है मैंने चलिए अब एक उठाती हूँ ये मैंने उठा लिया मैं देख भी नहीं रही हूँ पता नहीं क्या ही आया आ गए इस वीडियो के शहन जिनको मैं जिनका मैं बहुत देर से इंतज़ार करी थी जिनको मैं बहुत देर पहले इनविटेशन दे चुकी थी लेकिन ये आए हैं सबसे लास्ट में कोई बात नहीं चलिए इनकी खातिरदारी भी करते हैं एंड अब ओके okay, गिर गए थे गेस्ट हमारे तो चलिए अब इनकी खातिरदारी भी करते हैं इन्हें भी अपने मुंह पे तोपते हैं अब मेरा फेस लग रहा है ना कि फट जाएगा अगर मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो में का नाइन टू फाइव मैट फाउंडेशन इसका मैं बस एक पंप लेने वाली हूँ वो भी इतू सा बस दिस बस इतना ही मैं आपको यूज़ कर सकती हूँ आई एम सॉरी आप बहुत लेट अब बहुत लेट है आई एम सॉरी गो टू हेल्थ ये आ चुका है मेरे हाथ में फाउंडेशन अब मैं इसे अप्लाई करूँगी मेरे मुंह का बेरा गर्क हो जाने वाला है अब क्योंकि नवाबजा तो लास्ट में आए लेट में अप्लाई एकदम हल्का हल्का सा डॉट वो भी कहीं 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 पे क्योंकि मैं इसको पूरे फेस पे बिल्कुल ही नहीं अप्लाई कर सकती हूँ नेक पे अप्लाई कर लेते हैं ये खाली है इधर भर भर के अप्लाई कर लेना है मैंने ओके मेरे हेयर में लग रहा है इसको कर देती हूँ चलो इसे ब्लेंड करते हैं ब्लेंड करने के बाद देखूंगी जहाँ जहां नीड होगी ना वहाँ वहां अप्लाई कर लेंगे देख रहे हो आप कैसे बेहद कर रहा है मेरे फेस का हाइलाइटर को नहीं छेड़ना मैंने बिल्कुल ही नहीं छेड़ना हाइलाइटर को तो ना मुझे थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे ऐसे सेटिस्फाइंग वाली फीलिंग आ रही है अब ओके okay, तो, तो मैं ऐसे ही देख सकती हूं कि इसमें आखिर है क्या प्राइमर अब इनका क्या करें महफिल तो खत्म हो चुकी है इनको रखे या जाने मैं एकदम मेरा ना एकदम गुस्सा रहा है मुझे जो चीज़ मुझे सबसे पहले लगानी थी वो चीज़ सबसे लास्ट में आई है ओ भाई गॉड ये चैलेंज तो सच में चैलेंज चैलेंजी हो गया है मेरे लिए लगाते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा लगा लेते हैं परंपरा जारी रखते हुए इसको ना तोड़ते हुए चलिए प्राइमर लगाते हैं कि okay, तो मैं यूज करूंगी लैट में एप्सल्यूट ब्लर प्राइमर ये वाला प्राइमर है जो कि मैं यूज़ करने वाली हूँ इसकी एकदम ही थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज़ करने वाली हूँ मुझे कोई पोर्स वोर्स नहीं है मैं इसको छोड़ भी देती लेकिन चैलेंज है तो इस वजह से मैं इसको नहीं छोड़ूंगी चलिए थोड़ा सा एकदम इतों सा अप्लाई करते हैं वेट निकल रहा है भाई ज़्यादा नहीं निकलना लगाना पड़ जाएगा मुझे ओब ये निकल भी नहीं रहा बस ये थोड़ा थोड़ा निकल रहा है बस 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 इतना काफ़ी है मैं इतना ही लगाऊंगी इससे ज़्यादा मैं नहीं लगाऊंगी मेरे फेस का बेड़ा गर्क हो जाना है ओके okay, तो यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, बटल बट यहाँ पे लगाएंगे करेंगे एकदम बचा बचा के फेस को ये तो मेरा मेकअप ले के उठ रहा है ओके okay. ओके <laughs> okay, तो मैंने यहाँ पे प्राइमर को भी अप्लाई कर लिया है अब चलते हैं फेस देखते हैं कि मेरा फेस लग कैसा रहा है